हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम आए हैं प्रयागराज की करछना विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि करछना विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा सीट है जहाँ बीजेपी आज तक जीतकर नहीं आई है। यहाँ से 7 बार रेवती रमण सिंह जीतकर आए हैं और विधायक चुने गए हैं। अभी हाल ही में वो राज्यसभा सांसद हैं सभा की तरफ से। वहीं अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो रेवती रमण के पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह यहाँ से जीत कर आए सपा की सीट पर और वो अभी यहाँ के विधायक हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है यहाँ की जनता से कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ कामकाज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वहीं अगर जाति समीकरण की अगर बात करें, तो इस सीट पर करीब 70,000 पटेल वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब करीब 40 से 50,000 है। तो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और हम पब्लिक से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि सपा के पास ये सीट थी, ऐसे में सरकार ने कुछ कामकाज किए कि नहीं किए, क्योंकि ये सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। जो रेवती रमण सिंह रहे हैं यहाँ से, सपा से भी विधायक रहे हैं, बसपा से भी विधायक रहे हैं और जनता दल से भी रहे हैं, अलग अलग पार्टी से लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं। तो ऐसे में उनके बेटे ने, उज्ज्वल रमण सिंह ने, यहाँ पे क्या कुछ काम किए हैं वो सीधा जनता से जानेंगे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव अब आने वाले हैं, 5वें चरण में चुनाव होगा यहाँ पे, और ये बताइए कि इससे करछना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो पिछले 5 सालों में कुछ बदला हुआ नजर आया आपको? हाँ, बदला हुआ नजर आ रहा है। सरकार का काम दिखाई पड़ रहा है, ये सड़क बन रही है, किसानों की व्यवस्था है, सरकार अपने तरफ से लगी है, काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है। ये बताइए, क्योंकि ये यहाँ से बीजेपी कभी जीत के नहीं आई आज तक, लेकिन ये है कि फिर भी सरकार ने यहाँ काम किया है। बीजेपी नहीं जीत कर गई, यहाँ सपा के हैं, सपा वाले अपना जो विधान निधि से जो पैसा है उससे अपना पब्लिक का काम करते हैं, और शुरू से सत्ता में भी रहे हैं वो, तो भी काम हुआ है। अभी है कि उतना गति से जितना होना चाहिए वो करछना विधानसभा में नहीं दिखाई पड़ता। जिस गति ने, यहाँ कोई फैक्ट्री है न कोई जनरल है, वही जैसे चल रहा है उसी प्रकार चल, मतलब खास नहीं हुआ, खास नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं जनता की रहती हैं, बिजली पानी सड़कें बेरोजगारी, वो बेरोजगारी तो वैसे है, बिजली पानी यहाँ शुरू ऐसे अच्छा रहता है, अपने यहाँ बुंदेलखंड में 22 घंटा 20 घंटा बिजली यहाँ रहती है, सिंचाई की भी यहाँ भी सुविधा है, ट्यूबवेल जो लगे हैं चल रहे हैं। तो ये अभी पिछले 5 सालों में हुआ है या पहले से ही? नहीं, पहले से ही हुआ है, नए 5 सालों में कोई खास बात नहीं, उसी की केवल लीपा पोती है, बाकी नया कोई वैसा बात नहीं। भाजी, आप बताइए कि क्या लगता है कि चूंकि यहाँ से बीजेपी कभी जीती नहीं है और जो पटेल वोटर हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान भी है, तो क्या ये सब लोग जात पात के आधार पर वोट देते हैं, कैंडिडेट के आधार पर वोट देते हैं? अभी तो कैंडिडेट ही नहीं घोषित हुआ है, जब कैंडिडेट घोषित होगा तो जनता देखेगी। पिछली सरकारों की अगर बात करूँ तो नहीं, पिछले सरकारों में जो काम हो रहा था हुआ ही था, और यहाँ हमारे विधानसभा में इससे पहले बहुजन समाज पार्टी थी, 5 साल पहले, 5 साल से अभी हैं सपा वाले हैं, तो अब सपा की सरकार ही नहीं है, तो कामकाज तो जो सरकार का है वही दिख रहा है। विधायक का जो निधि है, विधायक की निधि से जो कारोबार है वो तो बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन यह कि करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो विधायक हैं उज्ज्वल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं वो, और वो खुद भी 7 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो क्या ये उनका एक मजबूत गढ़ है या फिर एक परंपरा चली आ रही कि नहीं उन्हीं को जिताना है? सवाल परंपरा की नहीं है, सवाल ये है कि उनका व्यक्तित्व, व्यक्तिगत उनका जनता के बीच में है, इस वजह से वो जीतते हैं और हारे भी हैं, कई बार हारे भी हैं, 3 बार हारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वो जनता के प्रति, जनता के बीच में अच्छा खासा है। देखिए, ये पब्लिक है सब जानती है, कह रहे हैं कि जो रेवती रमन सिंह थे वो जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, इसलिए जीतते आए हैं, यही कारण है कि उनके पुत्र भी यहाँ से जीत कर आए हैं। ये बताइए कि ये जो राजनीतिक परंपरा चली आ रही है, पहले रेवती रमन सिंह जी थे, उनके पुत्र आ गए अब, तो क्या ये बदलाव, ऐसे राजनीति तो चलती है, क्योंकि सब आरोप लगाते हैं जात पात का या परिवारवाद के, तो परिवारवाद चला आ रहा है यहाँ पर पूरा? नहीं, करछना में ज़्यादा जात पात पर परिवारवाद तो हो गया ना एक तरीके से, परिवारवाद, पिताजी थे उनके, अब वो उनके पुत्र आ गए, तो परिवारवाद हो जाता है जरूर कभी कभी, लेकिन अब यहाँ हारे भी हैं वो, ऐसा नहीं है, हारे भी हैं ऐसा नहीं है।
पाँच साल में आप लोगों को क्या बदला नजर आया? क्यों तहसील में हम खड़े हैं, आप अगर तहसील की बात करें व्यवस्था की, बदलाव आया कि यहाँ पहले बिजली ट्रांसफार्मर जल गया, पहले इतने लोग हैं सब ट्रांसफार्मर जल गया जला रहा, लेकिन पाँच साल में रिकॉर्ड है कि शायद ही कोई ट्रांसफार्मर 7 दिन के बाद 24 घंटे अंदर लगा है, और जितने भी ट्यूबवेल हैं कोई ट्यूबवेल एक भी नहीं ऐसा है जो न चलता हो, भले नाली उसकी सरकार ने काम की, आप काम की इसमें दो राय नहीं है, नंबर एक का काम किया, नंबर कोई मतलब ये कोई पार्टी बद्ध हम लोग नहीं है, और लेकिन इतना है लेकिन काम हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, आपको क्या लगता है कि कुछ काम ऐसे भी होंगे कि जो सरकार को बहुत ज़रूरी करने चाहिए थे लेकिन सरकार ने नहीं किए, इस क्षेत्र की अगर यहाँ लोगों की समस्या मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या यहाँ जो खाद पानी उनिक थी, यहाँ सब व्यवस्था सब ठीक ठाक है, और बेरोजगारी वाली है तो राष्ट्रीय समस्या है, हाँ तो बेरोजगारी वाले में जो तमाम छोटे छोटे उद्योग स्थापित हुए लोग नहीं जानते, नहीं कर पाए, नहीं तो अगर करते तो, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं मानते हैं कि सरकार ने काम किया योगी मोदी ने, और ईमानदारी भी इनके, इनका कहना है कि बिना किसी भेदभाव के योगी सरकार ने यहाँ पर काम किया, जबकि सपा के यहाँ विधायक रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार की अगर, क्योंकि चुनाव पांचवें चरण में यहाँ पर होगा, जनता का क्या मूड रहेगा कि वो वोट क्यों करेगी, क्योंकि जनता के मन में जानती है कि यहाँ 5 साल में सरकार ने काम किया ही नहीं किया, मुद्दे क्या रहेंगे जनता के इस बार की हम वोटिंग करने जा रहे हैं तो हमारे ये मुद्दे हैं, सरकार ने काम किया हमारे लिए या नहीं किया? सबसे बड़ा काम जो है विकास का है मुद्दा, इस चुनाव में विकास ही मुद्दा रहेगा, और जो भी सरकार, जैसे इस समय जो सरकार है इसका जो वोटिंग वोटिंग का जो वो रहेगा उद्देश्य रहेगा वो विकास के उस पर ही होगा। जी जी जी, विकास इधर हुआ है? जी जी, विकास हो रहा है और होगा भी धीरे धीरे, और सड़कें बढ़िया बन रही हैं और धीरे धीरे होगा विकास हो रहा है। किसानों की एक बड़ी समस्या रही है उत्तर प्रदेश में, क्या अगर इस क्षेत्र की बात करूँ कर्चना की, तो यहाँ पर भी किसानों की समस्या रही है? नहीं विशेष खास कोई समस्या नहीं, यह है गुंडागर्दी खत्म हो गई यहाँ से, जो इस तहसील में 20-25 राइफल अखिलेश की सरकार में आती थी वो सब खत्म हो गई है, सब गुंडा सब जेल के अंदर पहुँच गए हैं। विधायक तो उन्हीं की पार्टी, विधायक भले हों मगर वो सरकार उनकी थी तो ये अपना कुछ काम करते थे, मगर ये क्षेत्रीय नेता को जो से नहीं ज़्यादा वो कुछ करते उड़ते नहीं हैं, हाँ और ट्यूबवेल भी खराब हो गया है तो कोई काम नहीं करते उड़ते हैं, कहने के लिए कह देते हैं हाँ विकास करते हैं क्या करते हैं, कहना है कि गुंडागर्दी यहाँ से खत्म हो गई भैया, पहले जो बंदूकधारी यहाँ जाते थे, पहले तो यहाँ 50-50 राइफल यहाँ घूम रहे थे, लेकिन सब खत्म हो गया, सब झवा गए, हाँ सब गायब हो गए। अभी कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त, कानून व्यवस्था दुरुस्त है और शांति भी है, हाँ क्योंकि हम भी यहाँ पे हमारा यहाँ पार्किंग चलता है तो यहाँ गुंडे सब खत्म हो गए, नहीं पहले एक गुंडे आए एक गेट खोलो वो गेट खोलो सब बंद हो गया, सिस्टम हो गया। ये कर्चना की पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, बता रही है कि सपा की सरकार में यहाँ पर राइफलधारी लोग घूमा करते थे और गुंडागर्दी करते थे, लेकिन वो अब इस सरकार में खत्म हो गई है। भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो बात कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है और जो पहले राइफलधारी यहाँ घूमा करते थे, तो क्या वाकई में ऐसा हो गया कि जो गुंडागर्दी और यहाँ पे काम करना आसान हो गया? जी पहले की अपेक्षा यहाँ पे बड़ा सरल है, और पहले थोड़ा सा लोगों में डर बना रहता था, भाई दबंग टाइप के लोग होते थे, अपना काम जोर से करवा लेते थे, किसी की जमीन हड़पना, थाने का विवाद था, अपने आप खुद लोगों को परेशान करते थे और गरीब जनता की सुनी नहीं जाती थी। इस सरकार में थोड़ा सा ये सुधार हुआ है। आप बताइए और क्या आपको लगता है कि हाँ सरकार ने पिछले 5 सालों में यहाँ पे कुछ काम किया? अच्छा सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि आप देख लीजिए ये रोड माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जो यहाँ पे जो गुंडा जो टहलते थे राइफल लेके, अदर दिन सुनाई देता था कि यहाँ पे ज़मीन कब्जा हो रहा है, यहाँ गोली चल रही है, ये देखिए सब अंदर हो गए हैं, जो प्रेम से मानते हैं उनको प्रेम से समझाते हैं, जो नहीं मानते उनको बुलडोजर समझाते हैं। बुलडोजर वाली सरकार चल रही है। जी जी जी, वो चलेगी भी इस बार, कर्चना में भी कमल का फूल खिलेगा। क्यों भैया, साइकिल चलेगी या फूल खिलेगा? जैसे नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ फूल ही फूल है हम लोग। लेकिन आज तक तो कभी बीजेपी जीती नहीं। समय जाने दीजिए, समय आता जाता रहता है, लेकिन इस बार कमल यहाँ पे खिलेगा, पूरे बहुमत से कमल खिलेगा। अच्छा ये तो देखना होगा कि कमल खिलता है या साइकिल चलती है या हाथी दौड़ता है। बाबू जी आप बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर सरकार ने कुछ अच्छे काम किए या काम किया ही नहीं है? अब 20 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें अच्छी बनी हैं, कानून व्यवस्था भी सही है,
हाँ निचले स्तर कुछ समस्याएं हैं, बाय एक बार और उनको मौका मिलेगा तो उन समस्याओं को दूर। चलिए मौका मिलेगा समझते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से कभी बीजेपी जीत के नहीं आई है, लेकिन आप लोग कह तो रहे हैं काम सरकार ने किया है, तो क्या सरकार को उस काम का फल मिलेगा यहाँ पर? क्या बीजेपी को आप लोग मौका देंगे या सपा से ही क्या कहते हैं दोबारा से वो चलती रहेंगी चीज़ें? नहीं, मौका मिलेगा इस बार उम्मीदवार अगर आएगा बढ़िया तो मौका मिल सकता है। क्या कहना है कि मौका बीजेपी को शायद मिल जाए इस बार, क्योंकि अभी तक कभी भी यहाँ पर कमल नहीं खिला है, ऐसे में कैंडिडेट बहुत मायने रखेगा, कैंडिडेट बहुत मायने रखेगा इस बार, कैंडिडेट मायने रखेगा। यहाँ असत्यता ये है कि यहाँ बीजेपी बढ़िया कैंडिडेट आज तक नहीं दे पाई। देखिए ये उन्होंने पता की बात बोली, बीजेपी बढ़िया कैंडिडेट नहीं दे पाई, इसकी वजह से यहाँ हार होती है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं और उनके पिताजी जो हैं, उनका बड़े नेता वो जमीनी नेता हैं, घर घर व्यक्तिगत हर लोगों से उनका व्यक्तिगत संपर्क है, ना तो किसी को डरवाते हैं ना कहीं धमकाते हैं, वो अपने व्यक्तिगत काम के आधार पर उनके साथ लोग चले जाते हैं। इसलिए कि यहाँ कोई बड़ा नेता मिल जाए अगर, तो हो सकता है कि उसके साथ एक बार प्रयोग करेंगे, देखेंगे ये हमारा साथ देंगे, मतलब यहाँ तो इस तरह का कोई है नहीं। इन्होंने बिल्कुल ज़मीनी बात कही है कि जो रेवती रमन सिंह है उनका ज़मीनी स्तर पर इतना स्ट्रांग कैडर है और जनता के बीच वो रहते हैं, ऐसे में बीजेपी यहाँ पर कोई ऐसा नेता खड़ा ही नहीं कर पाई है कि जनता उसको मौका दे, क्योंकि रेवती रमन सिंह जनता से जुड़े हुए नेता हैं। आप बताइए यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो पटेलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में पटेल समाज इस बार क्या समझ रहा है कि कहाँ किसकी तरफ जाएगा? पटेल बाहुल क्षेत्र होने का अगर पटेल प्रत्याशी आएगा तो भाजपा के झोली में सीट जा सकती है, क्योंकि 2.25 लाख करीब यहाँ पटेल हैं। हाँ। करीब 70,000 पटेलों का वोट है। हाँ, 2.25 लाख करीब। तो आपका ये कहना है कि पटेल अगर बीजेपी उतारती है तो बीजेपी को शायद फायदा मिल सकता है, जबकि जो ब्राह्मण वोटर है वो भी काफ़ी है, मुस्लिम वोटर भी करीब काफ़ी। जी, ऐसी बात है कि यहाँ पे ब्राह्मण क्या कहते हैं कि जितना ब्राह्मण है उतने पटेल हैं, उतने मुस्लिम कम हैं। पटेल ज़्यादा है? नहीं, पटेल 70 के बब हैं, ठीक है ना, और 40-45 से 50 के आसपास 80 हैं। अगर ब्राह्मण आता है BSP से, तो अगर ब्राह्मण जुड़ जाते हैं BSP तो दलित वोट और जो ब्राह्मण वोट है अगर जुड़ जाता है तो BSP वो परेशानी करे। जी जी जी, यहाँ पे BSP निकलने की समर्थ, क्योंकि बसपा सपा हमेशा यहाँ पे लड़ाई रही है, बीजेपी कभी भी नहीं लड़ाई यहाँ पे रही है न रहे। वही जा रहा हूँ कि क्यों नहीं। हाँ, बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा किया है, अगर काम अच्छा किए हैं किसके लिए किए हैं? वही लोगों के लिए किए हैं ना, और दूसरों के लिए नहीं किए हैं। 5 किलो गेहूँ में किसी का जीवन चल जाएगा? सरकार देखिए ये तो व्यवस्था की है सरकार ने, कैसी व्यवस्था है? देखिए जो पूंजीपति हैं इस पार्टी में पूंजीपति लोग ज्यादा हैं, और पूंजीपतियों की वजह से 5 किलो हमको 5 किलो मिल रहा है गरीबों को 5 किलो में उनका ना तो शादी होगा ना ब्याह होगा ना पढ़ पाएंगे लिख पाएंगे। देखिए वो तो ये तो लोगों की, क्योंकि कोरोना काल हमें चाहिए रोजगार, उनको रोजगार देने की नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको रोटी देंगे, रोटी पे अपना जीविका गुजर बसर करो, रोजी नहीं देंगे। रोजी अस्थाई होती है ना, हमें तो रोजी चाहिए, हम बच्चों को क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रोजगार हमें रोजगार होना चाहिए। हाँ, रोजगार होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि रोजगार होना चाहिए, राशन देने से कोई रोटी नहीं चाहिए, इनका रोजगार चाहिए, मेहनत करना चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए। हाँ भाई, महंगाई आप देख रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार है, और सबसे यहाँ किसान बाहुल्य करछना क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें नेहरू बछवा और लीलगाय की व्यवस्था योगी मोदी कर दें तो हम कुछ हद तक मानने के लिए तैयार। जो आवारा पशु हैं वो भी बहुत नुकसान हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, और कहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करछना विधानसभा में एक भी काम अगर भाजपा सरकार अपनी दिखा दे। जनता से हमने बात की है, वो तो कह रहे हैं वो लोगों से पूछ नहीं, वो व्यक्तिगत होंगे, आपकी भी व्यक्तिगत होगी? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, जो धरातल पर दिखाई पड़ रही है कि ये सड़क बनी है, पहले खराब होती थी, अब बनी है, की देन है उज्जवल रमण की देन है। सरकार तो बीजेपी की है ना, सरकार तो आती जाती रहती है, विधायक उनके प्रयास से हुआ है, किसी के प्रयास से हो सरकार? आप बताइए, एक भी पुल दिए धंधुआ घाट, कोहड़ार घाट, जितने भी पुल हैं सब सपा सरकार की देन है, कोई काम किया इन्होंने? इनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। महंगाई एक मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है महंगाई। 100 के पार पेट्रोल है कि नहीं है? 200 का तेल है, क्या बता दें?
देखिए, इनके लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इनका कहना है कि जो आवारा पशु हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या है। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। इंसान तो हैं, अभी तो मैं जवाब दूंगा, बोलिए। आपको क्या लगता है कि क्या जाने वाली है मोदी योगी सरकार? मोदी और योगी की सरकार जाने वाली है, हाँ। देखिए इनका कहना है कि साफ इन्होंने कहा कि ये सपा के नेता हैं और मोदी की सरकार जाने वाली है। जाहिर तौर से आप बताइए कि आपका क्या कहना है कि सरकार ने कुछ अच्छे काम वाम किए 5 साल में, रोजगार उत्पन्न हो पाया यहाँ पे? सर ऐसी भी कोई बात नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के माननीय उज्ज्वल नमर भैया जो हैं इन्होंने बहुत काम किया है, हम लोग इन्हीं के सपोर्ट में हैं, इस बार इन्हीं की सरकार बनी। जी देखिए ये भी इनका कहना है कि उज्ज्वल रमन जो यहाँ के विधायक हैं उनके समर्थक हैं, क्योंकि इनके पिताजी जमीनी स्तर के जुड़े हुए नेता हैं, तो ऐसे में उनका एक बहुत मजबूत कैडर है, इसलिए तमाम समर्थक भी हैं, वो लगातार जीतते भी आए हैं। और जी आप बताइए कि ये तहसील है जी, पहले के मुकाबले में काम कराना आसान हो गया है या जब जैसे पहले परेशानी होती थी अभी भी वही वैसे ही रहता है? नहीं परेशानी तो है सर, अभी भी परेशानी है। क्या परेशानी रहती है अभी? परेशानी जैसे अभी दाखिल खारिज हो जाता, हम लोगों का जो बैनामा रजिस्ट्री कराते हैं वो जो परवाना जाता है खतौन में फीड होने के लिए, मतलब सरकारी बाबू सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझाते रहते हैं। जी जी जी, तो ये पहले से भी ऐसी था अब भी ऐसा नहीं है? तो शुरू से हाँ, 12 साल से मैं देख रहा हूँ। लोग बता रहे हैं यहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो गई है यहाँ से। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात, ये सही बात है, सरकार रहेगी तब ये गुंडागर्दी समाप्त होगी, अन्यथा गुंडागर्दी यहाँ तो लोकल लोग हावी रहते हैं। हम करछना की जनता से बात कर रहे थे और करछना की जनता ने बड़ी साफ गोई से ये बात की है कि जो यहाँ पर सपा के विधायक हैं उज्ज्वल रमन सिंह और उनके पिताजी जो रेवती रमन सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनका यहाँ पर जमीनी स्तर पर कैडर बहुत मजबूत है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि अगर वह जीतना चाहती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी यहाँ से कभी जीत के नहीं आई है और लोगों का कहना है कि बीजेपी यहाँ पर कभी अच्छा नेता दे ही नहीं पाई है, यही कारण है कि जो लोग हैं वो बीजेपी को समर्थन नहीं कर पाए हैं। तो शायद इस बार उनको उम्मीद है कि बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट उतारे यहाँ पर, ताकि जो करछना की जनता है वो एक बार बदलाव करके देख सके कि हाँ वाकई में क्या रेवती रमन सिंह के परिवार के ही लोग यहाँ पर विकास कार्य कर सकते हैं या परिवारवाद की जो राजनीति का आरोप लगता है सपा पर वही चलता रहेगा। कुल मिलाकर पब्लिक है, सब जानती है और करछना की पब्लिक से ही हमने बात की है। क्या नाम? दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया TV, करछना।